ऐसी जगह जहां पर लाशों को गिद्धों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। मुंबई में यह जगह टावर ऑफ साइलेंस सही में साइलेंस से भरा हुआ है। इस जगह पर कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने का दावा किया गया है, जिसके यह कारण यह जगह बदनाम है और यहां पर लोग आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। कहा जाता है कि इस जगह को कई साल पहले पारसी कम्युनिटी के लोग कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल करते थे, जहां पर मरने के बाद लोगों के शरीरों को गिद्धों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। पारसी कम्युनिटी का ऐसा करने का पीछे यह कारण था कि वे मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाना चाहते थे। हालांकि ये सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन पारसी कम्युनिटी का मानना है कि मृत शरीर के संपर्क से पृथ्वी और आग दोनों ही प्रदूषित हो जाते हैं, जिसे रोकने के लिए वे शवों को खुला छोड़ देते थे। इसके बाद गिद्ध उन्हें अपना भोजन बनाकर डिसइंटीग्रेट कर देते थे। यही कारण है कि यहाँ पर मरने वाले लोगों की आत्माएं आज भी इस जगह को घेरी हुई है। इस टावर से अक्सर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना।